Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start lecture number 40. Our topic is the pound of butter. Makhan ka pound. Unit number 8 hai hamare paas. Yahan se continue karte hain hum. Mr. Carson began. Mr. Carson ne start kiya to get suspicious. मिस्टर कार्सन को शक होने लगा. सस्पिशियस होता है शक करना, ठीक है. इट वॉज दी बटर, ये मक्खन था. ही वॉज श्योर ऑफ इट, इसे इसका यकीन था. ही वॉज श्योर डैट, इसे यकीन था. द ब्रिक्स ऑफ बटर, मक्खन की जो ईंटें थी. दैट फार्मर विंस्टन डिलीवर, जो फार्मर किसान विंस्टन से पहुंचाता था. वर नॉट द करेक्ट वेट, उनका वजन जो था वो ठीक नहीं था. उनका जो वजन था वो करेक्ट नहीं था, सही नहीं था. दे डिडंट वे अ पाउंड ईच, इनमें हर एक का वजन एक पाउंड नहीं था. ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया टू पॉइंट आउट, पता लगाने का, निराश करने का कि असल रीजन क्या है, असल वजह क्या है. पर सेवरल डेज, काफी दिनों तक. सून आफ्टर फार्मर विंस्टन डिलीवर्ड द सप्लाइज, जैसे ही किसान विंस्टन जरूरत की अशिया पहुंचा कर जाता. मिस्टर कार्सन वेट द बटर, मिस्टर कार्सन वजन करता मक्खन का. ऑन हिज स्केल, अपने तराजू पर मक्खन का वजन करता. जस्ट एज ही थॉट, बिल्कुल जैसा कि उसने सोचा था. ईच ब्रिक, हर ईंट वेट, उसका वजन था लेस देन अ पाउंड, एक पाउंड से कम था हर ईंट का वजन. मिस्टर कार्सन वॉज वेरी एंग्री, मिस्टर कार्सन को बहुत गुस्सा आया. नो वंडर हिज केक्स वर नॉट टर्निंग आउट राइट, कोई हैरानी की बात ना थी कि इसके केक ठीक नहीं बन रहे थे. ही कंप्लेंट, उसने शिकायत की टू द पुलिस, पुलिस को. एंड दे अरेस्टेड, और उन्होंने अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया. द फार्मर फॉर चीटिंग, किसान को धोखा देने के लिए गिरफ्तार कर लिया. एट द ट्रायल, मुकदमे में द जज टर्न टू फार्मर, जज उनसे जो इंसाफ करने वाला होता है वो मुड़ता है फार्मर की तरफ, फार्मर विंस्टन की तरफ. एंड सेड, और उसने क्या कहा. द बेकर सेज, नान बाई, नान बनाने वाला कहता है. दैट यू हैव सोल्ड हिम बटर, कि तुमने जो मक्खन इसको सोल्ड किया था, बेचा था. That is not the correct weight. उसका जो वेट था, वजन था, वो सही नहीं था. Do you have weighing scales at home? क्या तुम्हारे पास घर में वजन करने के पैमाने हैं? Scales पैमानों को बोलते हैं. No, your honor, replied the farmer. नहीं जनाबे आली, किसान ने जवाब दिया. Then how do you weigh the butter you sell? फिर तुम जो मक्खन बेचते हो इसका वजन कैसे करते हो? Asked द जज, जज ने पूछा. फार्मर विंस्टन रिप्लाइड, फार्मर विंस्टन ने जवाब दिया. आई कैन एक्सप्लेन दैट, मैं इसकी वजाहत कर सकता हूँ. योर ऑनर, जनाबे आली, आई यूज अ बैलेंस, मैं तराजू इस्तेमाल करता हूँ. बट माई लिटल सन, लेकिन मेरा छोटा बेटा, लॉस द वेट्स, उसने जो वजन करने के पैमाने उनको गुम कर दिया. आफ्टर प्लेइंग विद देम, लेकिन मेरे छोटे बेटे ने वजन के बाट खेलने के बाद उसने गुम कर दिए. सुनाओ, लिहाजा अब. व्हेन आई वांट टू वे द बटर, जब मैं मक्खन का वजन करना चाहूँ, जब भी मुझे मक्खन का वजन करना होता है. आई यूज अ वन पाउंड लोफ ऑफ ब्रेड, तो मैं एक जो पाउंड की ब्रेड है वो इस्तेमाल करता हूँ. डैट आई बाय फ्रॉम मिस्टर कार्सन, जो कि मैं मिस्टर कार्सन से ही खरीदता हूँ. यहाँ पे हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है. इंशाल्लाह कल मिलते हैं रिव्यू टॉपिक पर करके लिए.